बहुत से लोगों ने ये क्वेश्चंस किए हैं कि सर घर में नारियल बांधना चाहिए या नहीं बांधना चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि बिल्कुल घर में हम नारियल बांध सकते हैं, मगर नारियल बांधने की जो विधि है वो थोड़ा सा समझनी चाहिए आपको। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर हम घर में नारियल बांधते हैं, नारियल बांधना मतलब समझ रहे हैं कपड़े में लेकर के, जो अपनी विश कहते हैं, मनोकामना कहते हैं ना, कि एक नारियल रख लिए कपड़े में बांध करके, उसको हम मंदिर में टांग देते हैं या घर में कुछ कुछ भी सामग्री वगैरह डाल करके हम घर में बांध देते हैं। तो ये फायदा क्या करता है? आपको करना क्या है, कोई भी आपको लगता है कि आपके घर में जो व्यक्ति आता है वह उसकी दृष्टि अच्छी नहीं है, नज़र दोष लग जाता है, या फिर कोई तंत्र विद्या मेरे घर पे कर रहा है, या कोई भी आपको जहाँ पे डाउट हो कि मेरे घर में कोई नेगेटिव एनर्जी आ रही है, तो ऐसी सिचुएशंस पे आपने ये नारियल वाला उपाय करना, ये बहुत कारगर होगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपके 50 रुपीज़ खर्च होंगे, उससे ज़्यादा खर्च नहीं होंगे, मगर रिजल्ट्स आपको 50,000 के मिलेंगे। 50 रुपये खर्च करेंगे, 50,000 के फायदे मिलेंगे। कैसे? आपने एक नारियल लेना है पानी वाला। पानी वाला मतलब जो हम तोड़ते हैं जिससे पानी निकलता है और अंदर गर्री होती है, ठीक है? पानी वाला नारियल लेना है, खड़ा, छीलना वगैरह कुछ भी नहीं है। उसे आपने काले कलर के कपड़े में लपेट लेना है। बात समझ में आ रही है? काले कलर के कपड़े में आप उसे लपेट लेना, हो सके तो उसके अंदर थोड़ी सी पीली सरसों और 1 रुपए का सिक्का डाल करके, पहले एक आपने कपड़ा बिछाया, नारियल डाला, पीली सरसों डाले, 1 रुपए का सिक्का। घर में अगर कील होगी, लोहे की कील, कोई भी कील होगी, लोहा चाहिए, अगर कील है, स्क्रू ड्राइव स्क्रू है तो भी चलेगा, आप उसमें डाल दें, उसको अच्छे से बांध दें, उसको पैक कर दें। उसके बाद नारियल का जो पिछला भाग होगा, जैसे एक लटकन बनेगी, तो उसके जस्ट पिछले भाग में आपने काजल से 21 टीके लगाने हैं, 21 टीके लगाने हैं काजल से। अब काले कपड़े में काला टीका लगाना है, आपको लॉजिक लग रहा होगा कि सर ये क्या है, काले में तो काला दिखेगा, हमको किसी को दिखाना नहीं है, हमको यह प्रयोग करना है, ठीक है? तो ये नारियल का पीछे का भाग हो गया, आपने 21 टीके लगाने हैं। और उसके बाद शनिवार के दिन छोड़ करके बाकी किसी भी दिन आप अपने घर के मुख्य द्वार पे उस नारियल को बांध दें। दिन का समय होगा, रात का समय नहीं होगा, आपके मुख्य द्वार पे कभी भी कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके घर में एंटर नहीं करेगी। आपका घर में कोई भी व्यक्ति नज़र लगाएगा तो वो सारा का सारी नेगेटिव एनर्जी जो होगी, वो नज़र दोष जो होगी, जो बंधन होगा, जो तांत्रिक क्रियाएं होंगी, राहु एटलेस, जो राहु की महादशा अंतरदशा जो होती है, वो सारा का सारा नारियल क्या करेगा, उसको अपने में ऑब्जर्व कर लेगा। और उसके बाद 6 महीने के बाद उस नारियल को जल प्रवाह कर दें, या फिर आप ऐसी जगह में डालें जहां पर उसका पैर ना लगे, हो सके तो नदी में प्रवाहित कर दें, अगर नदी नहीं है तो किसी ऐसे स्थान पे उसे छोड़ दें जो बहुत ज़्यादा सुनसान हो, वो भी नहीं कर सकते हैं तो आप अपने ही घर में कहीं पे मिट्टी वाली जगह होगी, 1-1.5 फीट गड्ढा खोदना, उसमें डाल देना और उसको पैक कर देना। फिर से ये नारियल अपडेट कर लेना, हर 6 महीने में अगर आप ऐसा अपडेट करते रहेंगे, आपके घर में कभी भी कोई भी नेगेटिव एनर्जी आ ही नहीं सकती। और कोई व्यक्ति अगर कोई नेगेटिव एनर्जी करेगा भी, तो वो सारी की सारी नेगेटिव एनर्जी कहाँ चले जाएगी, उस नारियल में। दूसरा, और इसे कोई भी डायरेक्शन पे, अगर राहु बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, पितृदोष परेशान कर रहा है, पितृदोष और राहु की अगर बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है, या कोई कहता है कि पितृदोष चल रहा है या राहु बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, तो सेम चीज़ आपने लेनी है, बट आपका कपड़े का कलर जो होगा, मैंने पहले बताया था वह कपड़े का कलर क्या था, ब्लैक। इसमें कपड़े का कलर जो होगा वह पीला कलर होगा। पीले कलर का कपड़ा लेना, पीली सरसों डालना, नारियल वही रहेगा, पानी वाला नारियल जो अंदर में पानी रहता है, 1 लोहे की कील रहेगी, आपने बांध देना, 21 काजल के टीके लगाना और घर के साउथ वेस्ट में जाकर के आप बांध देना। सेम प्रोसेस है, 6 महीने बाद निकाल करके इसे जल प्रवाह करना है। अगर बहता हुआ पानी नहीं है तो आप तालाब में भी विसर्जन कर सकते हैं। ये इसे दबाना नहीं है, इसे कहीं डालना नहीं, इसे सिर्फ इसके लिए सिर्फ और सिर्फ नदी की आवश्यकता होगी, नहीं तो तालाब की आवश्यकता होगी। पानी का इसे जल में विसर्जन करना है, मतलब जल समाधि देनी है। 6-6 महीने में, 6 महीने 8 महीने में आप इसे अपडेट कर सकते हैं।
बिल्कुल सिंपल सरल और बहुत ही जबरदस्त उपाय है। जितनी भी रेमेडीज हैं ये प्रैक्टिकल रेमेडीज हैं, क्योंकि राहु जो है वह पीले रंग से डरता है। पीला रंग साउथ वेस्ट में मैंने लगाने बोला, और एनी एनी का कलर क्या है, वहाँ पे गुरु बैठा है, और जब गुरु राहु के साथ कनेक्ट हो जाएगा तो वह उनकी बुद्धि को अच्छा बनाएगा।